सबसे पहले तो परिचय बताइए, अपना नाम बताइए, बताइए इस फिल्म के बारे में, पास किस तरह का ये सब्जेक्ट है और कैसा अनुभव रहा है इस फिल्म को शूट करने में। मेरा नाम है समीक्षा भट्ट और मेरा कैरेक्टर इसमें घोस्ट का है और फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था, मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी मेरा नाम दीप्ति है, मेरा कैरेक्टर का नाम दिशा है इस मूवी में, तो जो वेदिता है इस कैरेक्टर का कि मैं फ्रेंड हूँ, सो बेसिकली आई सॉल्व द केस, आई एम अ पार्टिसिपेंट इन सॉल्विंग द केस। तो कहाँ कहाँ शूटिंग हुई बताइए, कोई ऐसा अनुभव फिल्म के दौरान, कोई हॉरर मूवी है ऐसा देखने लग रहा, तो कोई ऐसा अनुभव था जो कि यादगार हो फिल्म में? जी इस फिल्म की शूटिंग एक्चुअली एक एक्चुअल हॉन्टेड प्लेस पर हुई है, जो कि हमें अभी भी पता चला है कि जो कि 7th नंबर पर है इन बीइंग हॉन्टेड। तो वहाँ पर एक्चुअली हमारा शूटिंग शेड्यूल 26 दिनों का था और वहाँ पर थोड़ी नेगेटिव वाइब्स फील हुई, तो शूटिंग शेड्यूल 22 दिन का करके हमको वापस आना पड़ा। और काफ़ी ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती रहती थी शूट के दौरान, जैसे लाइट बल्ब फूटना और आवाज़ें सुनाई देना वगैरह वगैरह, तो हम लोगों को एक्चुअली ये बाद में पता चला था, बाकी क्रू को भी शिफ्ट किया गया था। और ओवरऑल एक्सपीरियंस शूटिंग का हम लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा रहा। जी कैसा एक्सपीरियंस था, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट था? एक्चुअली द एंटायर फिल्म, पूरा शूटिंग वाज लाइक मेमोरेबल बिकॉज सब लोग बहुत एंथुजियास्टिक थे, एनर्जेटिक थे और बिकॉज स्टोरी सबको बहुत पसंद आ गई थी, तो बिकॉज ऑफ दैट नाइट शूट्स डे शूट्स जो भी था सब बहुत मेमोरेबल था बिकॉज हमारा पूरा ग्रुप ही टीम ही बहुत अच्छी थी। तो ज़्यादातर जो होते हैं हॉरर फिल्म तो सेंसुअल होते हैं, ये क्या सेंसुअल है, नीट क्लीन कैसी फिल्म है? ये बहुत ही नीट फिल्म है, इसमें एक्चुअली एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक मैं पास्ट में एक्चुअली सीक्रेट है, तो मैं सीक्रेट रिवील नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है और देखने लायक है। तो आप लोग के अलावा और कौन है कास्ट में, कोई ऐसा नॉन चेहरा है इस फिल्म में जिसे आइडेंटिफाई कर सके? राजेश शर्मा जी है, वो काफ़ी फिल्म्स कर चुके हैं एंड ही इज़ अ नोन फेस, एंड वेदिता है, शी इज ऑल्सो डन मैनी फिल्म्स। तो या नहीं, मैंने एक्चुअली इससे पहले संकट मोचन हनुमान में सीता का कैरेक्टर किया है और उफ़ी नादानिया में चांदनी का मेन लीड कैरेक्टर किया है, और मैंने 3 फिल्म्स की हैं, बैरेड ऑफ रुस्तम जो कि ऑस्कर में नॉमिनेटेड थी, और जीरो लाइन कुछ अलग सा, मैंने बहुत शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं। जी मैंने व्हाट द फिश नाम की फिल्म की है डिम्पल कपाड़िया जी के साथ, मनु ऋषि के साथ, और एक फिल्म अभी रिलीज होने में है, तो लेट्स सी। थैंक यू। सर जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, क्या विषय और क्या प्रेरित किया आपको इस फिल्म बनाने के लिए, ये जो सब्जेक्ट है? सी द कॉन्सेप्ट इज टोटली ऑन द हॉरर, कि एक राइटर है जो बंगलों में लिखने जा रही है एंड शी गेट स्टक ओवर देयर, वो फंस जाती है, तो इसी के बिहाफ में हम लोगों ने एक हॉरर फिल्म का पूरा जो एक क्रिएशन किया हम लोगों ने किया संदीप लाले जो राइटर है इसके, उनके साथ मिलकर। सो जो हॉरर फिल्म का क्रिएशन है वो यही है कि आप कैसे लोगों को डरा सकते हो और कैसे सोच के हम लोगों ने इसको किया, वो जसपाल जी राइटर और वही जानते हैं, तो वो हम लोगों बेसिकली इट्स अ हॉरर और अ थ्रिलर मूवी। कुछ दिन पहले परी आई थी और काफ़ी सारी फिल्में आती हैं लेकिन उनको कटराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हॉरर की कैटेगरी में आती है या थ्रिलर की कैटेगरी में आती है। ये फिल्म बेसिकली है क्या, सब्जेक्ट क्या है? दिस इज हार्डकोर हॉरर, देयर इज नो थ्रिलर, मतलब इसमें आपको हॉरर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई लव स्टोरी है, ना कोई हमारे में हीरो भी नहीं है, तो फुल हॉरर, जिनको जो हॉरर फिल्म देखने के जो शौकीन है उनको फुल हॉरर एंट्री। आप जानना चाहूँगा कि कैसा आपका चैलेंज था इस फिल्म को प्रोड्यूस करना, क्योंकि मार्केट जो है मास मार्केट जो थे रोमांटिक या यू नो एवरी म्यूजिकल फिल्म को पसंद करती है, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, डायरेक्टर सर जो गगन सर हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और हमारे लिए जो चैलेंजेस था हमने सब कुछ अच्छे से किया, और अभी हम लोगों ने फिल्म कंप्लीट कर लिया है, 11th मई को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। तो कैसे एक्सपीरियंस था शूट के दौरान, कहाँ कहाँ शूट किया आपने, रियल और लोकेशंस पे शूट किया, सुनने में आया कि हॉन्टेड प्लेस था, कैसा था एक्सपीरियंस? या वी हैव शॉट इन मनोहर, दैट्स अ रियल हॉन्टेड लोकेशन, उसका नाम ही भूत बंगला कहते हैं जो हमको बाद में पता चला, और
एग्जैक्टली इट्स अ हॉन्टेड लोकेशन, और जो वहाँ पे जो हमने एक्सपीरियंस किया वो दैट वाज लाइक टोटली डिफरेंट, क्योंकि वो इतना नेगेटिव वाइब, हमको शूट स्केड्यूल खत्म करना है, 25 डेज का स्केड्यूल, प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, तो वी हैव टू रैप अप द एंटायर शूट इन लाइक कितना दिन में, 25 दिन का हमने 22 दिन में ख़त्म करना पड़ा, छोड़ना पड़ा लोकेशन को, और उसके बाद जो एक दिन का स्केड्यूल था वो हमने बॉम्बे में ख़त्म किया। सब एक्ट्रेस का, दीप्ति का, समीक्षा का, सब वेदिता का, सबका एक्ट्रेस जो कॉपरेशन था, सब एक्ट्रेस का बहुत अच्छा था, एक्ट्रेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हमने। एक माइंडसेट ये भी होता है कि जब बात आती है हॉरर फिल्म की तो सेंसुअलिटी होता है कि लोग सोचते हैं कि सेंसुअल लोग आए, इस फिल्म की बात क्या है, कैसे नीटली सेंसुअलिटी भी ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि तरीका होता है हर चीज़ दिखाने का, देर इज़ ए प्रेजेंटेशन हाउ यू शो द एंटायर फिल्म टू द ऑडियंस, उसको आप क्लीशे तरीके से भी दिखा सकते हो, उसको आप नए तरीके से भी दिखा सकते हो, इफ़ दैट इज़ रिलेटेड टू फिल्म, फिल्म से लेना देना है उसका तो वाई नॉट, नहीं है तो ज़बरदस्ती ठूस के कुछ फ़ायदा नहीं है, ओनली टू यू नो ग्रैब दोज ऑडियंस, उस लोगों को पकड़ना जिनको पसंद है वो सब चीज़ें, तो दैट इज़ नॉट माई फ्लेवर, पिक्चर्स रिलेटेड है इट्स गुड, आप दिखाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट हैज़ टू बी script related. What kind of project we are working in? Kis tarah ka project we are working after this, we are working for another psycho thriller, but let's see, bas we are just waiting for this movie to get released on 11th of May, but uske baad hi batayenge kaise karna hai, kya karna hai, तो डायरेक्टर काम से प्रमोट द मूवी फिल्म फेस्टिवल्स में है कि आप प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या आपका? अभी तो हम सोशल मीडिया में प्रमोट करना शुरू कर रहे हैं, इसके साथ साथ सोशल मीडिया के बाद हम लोग थिएटर्स में भी, इसके थिएटर्स वगैरह हम लोग करेंगे, एंड इवेंट्स भी हम लोग प्लान कर रहे हैं साथ साथ, सिटी टूर्स वगैरह, हाँ, और रेडियो ये सब प्लान कर रहे हैं, तो विच इज स्टिल इन द प्रोसेस। And any known face in the movie? Who can? Yuvraj Parashar, Rajesh Sharma is a known face who has played a psychic character. And there is Vedita is a known face. And अपना ये क्या कहते हैं? और राजेश शर्मा ने बोला, there is a girl from Spain. There is a girl from Spain. Spanish actress है, Sonia Alvizuri. She is currently working in कौन सा? Guest in London. परेश रावल का movie उसमें काम करे, तो she has also played a psychic character in that movie. Super. Thanks. Thank you.